morning, guys. तो गाइस यार कल रात बहुत लेट सोया मैं क्योंकि हेक्टर के साथ क्लासिक खेला था थोड़े और पता ही नहीं चला यार टाइम कब चला गया। तो अभी मैं फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि आधे घंटे में अपने मैचेस है तो ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। तो चलो ट्रेनिंग कर लेते हैं भाई। चार नंबर मेरे साइड से आना बंदा है, जल्दी आ। कवर दे देता भाई। एक एचपी एक एचपी। हेलो कौन बोल रहा है? अच्छा ऑर्डर आ गया। आप नीचे आ गए क्या? तो गाइस यार ये मैंने प्रोडक्ट ना के बारे में बहुत सुना था तो मैंने सोचा यार पर्सनली यूज करके देख लेता हूँ तो मैंने ऑर्डर कर दिया और अभी वो नीचे आ गया तो जल्दी से लेके आते हैं और फट से ऊपर आके यूज करके देखते हैं। तो गाइस यार ESL में हम लोग अभी उतना अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग एज पे चल रहे हैं गाइस। तो होपफुली आज अच्छे खेल के अपना पोजीशन सिक्योर कर ले और क्वालिफाई कर ले क्योंकि लैन यार तुमको भी मिलना है मुझे, तो फटाफट क्वालिफाई भी कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो यूज करके भी देते हैं। थैंक यू भाई, इस प्रोडक्ट आ गया अपना। बट एक प्रॉब्लम है यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अपना मैच 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है तो पहले अपन मैच खेल लेते हैं। ESL का इंपॉर्टेंट मैच है तो मैच खेलते हैं, अपन इसको अनबॉक्स करेंगे। रेवरेंट के प्लेयर भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पनाह लेते हो लेकिन कितनी देर तक बच पाएंगे? गॉब्लिन के द्वारा एक ग्रेनेड जरूर थ्रो करा जाएगा बट नो वैल्यू। स्पॉट्स आउट अ प्लेयर रनिंग आउट इन ओपन एरिया। व्हाट वाज दैट? इट्स अ फ्री फ्रैग फॉर गॉब्लिन। वेल एक अच्छी ओपनिंग गॉब्लिन ने यहाँ पे निकाली अपनी टीम के लिए लेकिन कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लेज नेड का लाइनअप तो काफी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन कार्निवल के प्लेयर्स सही टाइम पे फॉल बैक कर जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स को मौका मिल चुका है टारगेट चार्जिंग करने का। आईक्यू सोल बाहर होती है लेकिन ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट? अ जंप शॉट बट द ग्रेनेड वाज ब्यूटीफुल। रेवेनेंट काफी देर से वो स्लो कंट्रोल कर रही थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। सेंस से अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते और उन्हीं में से एक ये है कि ये गेम तो कार्निवल छीन के ले जा चुका है। गाइस ये है फिलिप्स वन ब्लेड, ये है मेंस ग्रूमिंग में एक अलग कैटेगरी। ये ना शेवर है ना ट्रिमर है, ये है अपना एक अलग टूल जिसे तुम शेव ट्रिम और स्टाइल तीनों कर सकते हो एक टूल में। तो गाइस इसमें है ड्यूअल साइड ब्लेड जिसकी वजह से आप दोनों डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हो और मेन थिंग बताओ ये आपके स्किन को टच नहीं करता जिसकी वजह से सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन जो होती है ना उसको बिल्कुल हार्म नहीं करता। The edges of the blade have rounded tips designed with protective plate that ensures no nicks or cuts. यार इसके looks तो बहुत ही अच्छे और साथ में easy to use भी है। इसको तुम both dry and wet skin पे use कर सकते हो as it has IPX7 waterproof feet. यार बहुत ही स्मूथ हो गया यार एकदम, मतलब परफेक्ट है। वैसे शेविंग वगैरह हो गई तो बाहर चले घूमने? और क्या हो गए, दिख नहीं रहे क्या ब्रो? अरे सच में भाई इतनी जल्दी कैसे हो गए बट तेरे? यार हेक्टर ये ना फिलिप्स का वन ब्लेड है, ये नया कैटेगरी है मेंस ग्रूमिंग में, इससे तुम शेविंग ट्रिमिंग और स्टाइल तीनों कर सकते हो। इसके एजेस है ना उसमें राउंडेड टिप्स है जिसकी वजह से कुछ निक्स या कट्स कुछ भी नहीं आता, तो एकदम स्मूथली करता है और एकदम सेफ है। जैसे मेरा एक ट्रिमर था वो पानी लगने से खराब हो गया था। हाँ। तो ये वाटरप्रूफ तो रहेगा ना ब्रो? ये ड्राई और वेट दोनों स्किन के लिए बहुत इजी है, इजी टू यूज है और मेन थिंग इसमें पता है क्या है? IPX7 वाटरप्रूफ ब्लेड है तो यहाँ पे तू वेट और ड्राई स्किन दोनों के लिए यूज कर सकता है। अच्छा मैं भी एक ऑर्डर करके देखता हूं। बजट बता अपना। बजट क्या होता है मेरा बजट भाई? देख हम दो आने को रेडी है। देखो अपन सब ना मिलके चलते हैं। मिलके नहीं बजट बता तो चलते हैं। अच्छा मैं
चड्डी में चलेगा अबे थोड़ा भाई 150 के दे रहे भाई 150 के जा भाई अबे ये कैजुअल लुक नहीं है बिल्कुल भी समझ ले 20 मिनट्स लेटर फट क्यों रही है पता नहीं फट रही है भाई आज तो है ना गाड़ी चलानी अरे मैं दोस्त हूं घर पे गाड़ी है मेरे पास नहीं मेरे पे भी लाइसेंस है वो नहीं रहता मैं भाई इसको तो नहीं दे रहा मैं इसका मैंने देखा है गाड़ी इसका स्कूटी इसका सामने नहीं जाती पैर रखता है ना कोई आ जाता है ना सामने एक बार एक्सीडेंट करवा चुका है इतना भयानक एक्सीडेंट कि मरते मरते बच्चा वो कुछ ये बंदा है ठीक है ये लड़कियां होती है ना जो एक पैर नीचे रख के स्कूटी चलाती है उनमें से एक अबे वो भी तो था कि मैं सुना था कि एक और ने नाली वाली में गिरा दी थी स्कूटी अबे वो तो अलग ही था नाली में वॉशरूम अबे नाली में नाली नहीं नहीं नाली में नहीं सॉरी अच्छा ये भाई वॉशरूम में नहीं है वो मैं स्टोरी बताता हूं सुना हम लोग ना कहीं गए थे नहीं कहीं कहां गए थे नहीं नहीं कहां गए थे कहां गए थे हम लोग कहीं गए थे नहीं कहीं नहीं हमें ना एक से मिलने गए थे हाँ, इसके से। अरे तेरा तो भाई क्या झूठ बोलता है ब्लॉग में झूठ मत बोल हाँ हम गए थे मिलने गए थे किसी से मिलने गए ठीक है यार तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि हम वो थोड़ा 5 मिनट डिले कर रहा था जो भी था तो हम लोग ना एक जगह रुके तो ऐसा था उधर स्टीप था और यहाँ रोड था और नीचे था नाला नाले के नीचे और थोड़ा सा ऐसा था और फिर नाला था अच्छा ठीक है तो मेरे को जाना था थोड़ा नेचर्स कॉल आ गई थी तो मैंने सोचा यार उधर जाता हूँ थोड़ा नीचे और उधर खड़ा रख के कर लूंगा ताकि रोड पे मेन रोड पे ना करूँ एंड वो एरिया एकदम अच्छा था एकदम पॉश एरिया होता है ना वैसा था अच्छा अच्छा तो मैं ऐसा फिसला ना मेरा पैर पूरा अंदर उसके एंड वहां से नीचे से चिल्ला रहा एक्टर एक्टर इधर उसके बाद तो सुनिए तो कुछ नहीं इसके बाद ना हम इसके पानी की बोतल नहीं नहीं मैं बताऊं मैं उधर ना बैठ गया चुपके से कि कोई देखे ना वैसा बैठा हूं इसको बोला दो पानी की बड़ी बोतल ला इसने पानी की बड़ी बोतल ली मैंने धोए फटाफट पैर उसके बाद जो बास आ रही थी सुन बात उसका तो मेन सुन हम लोग गए मेडिकल बड़ा मेडिकल होता ना 24/7 हमने डिओड्रेंट लिया अब ये बंदा 300 के पे है इसको 50 रुपए की परफ्यूम नहीं ली गई ये बंदे ने वही परफ्यूम निकाला अपने पे डाला और वही रख के आ गया टेस्टिंग परफ्यूम होता है टेस्टिंग टेस्टिंग याद रखियो अबे टेस्टिंग परफ्यूम था मेरा वाला मैंने पूरा लगाया ताकि बदबू ना आए और रख के बोला यार नहीं अच्छा नहीं और निकल गया हम लोग भाई मेरा वो दोस्त से मिले एंड देन वापस आ गए एक्टर खुश था उस दिन बहुत कुछ तो था इन दोनों की बॉन्डिंग लेके काफी कुछ था खतरनाक सीन था उस दिन भाई ना भाई इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना मेरे पैर से मतलब कोई बंदा ऐसा 10 मीटर दूर भी खड़ा हो ना तो उसको बदबू आ जाएगी कुछ तो हुआ है आस तो गाइस एक बैड न्यूज है यार ये हेक्टर की वजह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे मेरे वजह से इसका आउटफिट देख के भगा दिया भाई आउटफिट थोड़ा पहन के आया मैं जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी हमने सोचा यार नहीं इतना टाइम तो नहीं रुकना ठीक है तो हम सब निकल पड़े पानीपुरी खाने के लिए
अभी उसका 5 मिनट में हम लोग पार्किंग से पार्किंग में गाड़ी पे बैठे हैं, बैक की गाड़ी, उसका कॉल आता है कि आज नंबर लग गया, तो हम फिर से जा रहे हैं। चलो हो गया यार, किस कि हम इम्पोर्टेंट है, आइस के कपड़े देखते हैं। फिर से नए ब्लॉग के साथ, और लव यू ऑल, चलो बाय बाय।